आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन साल 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के लेथपोरा में एक कायराना हमले को अंजाम देकर सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। पुलवामा आतंकी हमले की 5वीं बरसी पर सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 76वीं बटालियन के कमांडेंट टीएच खान मार्गदर्शन में आयोजित हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर शहीदों को सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि दी। 5वीं वर्षगांठ है पुलवामा हमले की, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे, उसको हम हर साल श्रद्धांजलि दे करके, जैसा आप देख रहे थे, श्रद्धांजलि दे करके उनको याद करते हैं और उनको ये बताना, उनको परिवार को ये भी बताना है कि सीआरपीएफ का पूरा जो परिवार है वो उनके साथ में खड़ा हुआ है और हमेशा उनके लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो सीआरपीएफ हमेशा तत्पर रहती है और वो उनके लिए तैयार रहती है। और ये बलिदान 76 बटालियन की ही गाड़ी थी और 76 बटालियन के ही जवान थे, तो हमारे लिए तो बहुत ही एक दुख का क्षण है और उनको हम श्रद्धांजलि देकर के उनको याद करते हैं और इस तरह उनको हर साल श्रद्धांजलि देते हैं।